الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وللعاقبة للمتقين أما بعد बेशक अल्लाह तबारक ताला का फ़ज़्ल व करम है और उसी का ये बे इंतहा हम तमाम हाज़रीन उसके ममनून व मशकूर है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारे मुंतज़मीन और हम तमाम हाज़रीन को इस बाबरकत मजलिस में आने की बेशकीमती हिदायत और तौफीक से नवाजा। जैसे कि हमने पहली नशिस्त में शेख मोहतरम से शराब क्यों हराम है इसकी हुरमत को किताब व सुन्नत की रोशनी में सुना और बेशक ये जानने की कोशिश की और आपने बड़े ही कम लम्हात में बड़े ही जामे अंदाज में हमारे सामने वो बेशकीमती बातें रखी जिससे ये पता चलता है कि शराब की हुरमत बहुत ही ज़्यादा है, वो हर बुराई की चाबी है और शराब पीना कितना यानी लानत के हकदार बनने के बराबर है, अल्लाह तबारक व तआला की लानत है ऐसे बंदे पर। तो क्यों हम एक ऐसे अमल को करें जिससे कि हमारा रब नाराज़ होता हो? बताइए, हम और आप अल्लाह तबारक व तआला को हर वक्त ये कोशिश हमारी रहती है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, तो हम ये कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर हम पूरी तरह अमल करने की कोशिश करें। आइए, दूसरी नशिस्त की आगाज़ से पहले आज के हमारे मेहमानान खुसूसी फ़ज़ीलतु शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, माशाअल्लाह तबारक तआला आप आलम इस्लाम की वो मारूफ और मशहूर शख्सियत है जो तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी काशेवाड़ी में, इसी इज्तिमागाह में आपका पहला खिताब मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े के ताल्लुक से हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने और आपने उसका मुशाहिदा बखूबी किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए मौका सआदत है कि हमारी इस छोटी सी दावत पे आपने लब्बैक कहा और अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त हमको दिया और हमारे और आपके लिए ख़ास तौर से वो बड़ी दूर से चल कर आए हैं। तो मैं बराहे करम आप तमाम हाज़रीन को आपका छोटा सा तारुफ, जो हमारे भाई इस मजलिस में नए और पहली बार अगर आए हैं तो आपके बारे में कुछ बताता चलूं। माशाल्लाह शेख ने आलिमत और फजीलत के बाद फ़न हदीस में महारत हासिल की इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना से और आपने तकरीबन 14 साल तक बहैसियत मुदर्रिस और मुअल्लिम और नाज़िम की हैसियत से अलमहात अल इस्लामी अल सलफ़ी बरेली में आपके खिदमात अंजाम दिए। उसके बाद आपने कई मुजल्लात के आप एडिटर रह चुके हैं, जैसे कि दावत सलफ़िया, तरीदा तर्जुमान दहली और हाल ही में आप मुदर्रिस व मुअल्लिम हैं जामिया सैयद नज़ीर हुसैन मोहम्मद दहलवी यूनिवर्सिटी के और हम और आप आपका मुशाहिदा आए दिन ख़ास तौर से जी सलाम इस टीवी चैनल पे करते हैं जहाँ पर आपके दो अहम प्रोग्रामात किताब सुन्नत और सलफ़ सालेहीन के अकीदे मनहज को आरास्ता बातें आप इन दो प्रोग्राम्स में पेश करते हैं। ये प्रोग्राम्स है दरसे हदीस और एक लाइव सवाल और जवाब की नशिस्त भी इसी चैनल जी सलाम पर पेश की जाती है। उसके अलावा आपके कई प्रोग्रामात माशाल्लाह पीस टीवी उर्दू पर भी पेश किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत का ये परचम आप आलम इस्लाम और बैरूनी ममलिकात में जैसे इंटरनेशनल चैनल्स पर आपकी बातें जो दरसे हदीस और सवाल जवाब की नशिस्त के ज़रिए से पहुंचती है, माशाल्लाह कई सैकड़ों और लाखों घरों में ये पहुंचाई जाती है। हमारे और आपके लिए सआदत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शेख मोहतरम हमारे बीच मौजूद है। बराहे करम जैसा कि आपने अब तक हमारा ताउन किया है और ऐसे ही इत्मीनान से आप बैठे और हमारी दूसरी नशिस्त के जो हमारे खतीब है, जो हमारे मेहमानान खुसूसी है, बड़े ही एहतराम के साथ दिली मुबारकबाद के साथ मैं आपको दावत देता हूँ फ़ज़ीलतु शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, वो आए और वालिदैन से सुलूक इस उन्वान पर किताब सुन्नत की रोशनी में खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. رسول مجتبى کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے رسول مجتبیٰ کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں کسے شم شدہا کہیے کسے بدر الدجا کہیے رسول مجتبیٰ کہیے غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے غبار راہ طیبہ سرمہ
بخش میں بصیرت ہے یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے رسول اللہم صلی وسلم علی حبیبک و رسولک محمد جناب صدر معزز حاضرین کرام میرے دینی ملی بھائیوں معزز ماؤں اور بہنوں ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین ہمیں اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق دونوں کو نبھانے کا حکم دیتا ہے اس دین میں افراط تفریط نہیں ہے کسی ایک ناحیے کو پکڑ لیا اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا دین اسلام میں اس طرح کا حکم نہیں ہے اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے تیرے رب کا یہ حکم ہے مفسرین کرام نے قضا ربکا کا ترجمہ کیا ہے اے امر ربک تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدو الا ایاہ کہ عبادت اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کی کرو اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا احسان پہچان لیا آپ نے عبادت کے حقوق اللہ رب العزت کے ادا کر دیئے اب بندوں کے حقوق کی باری آئی ہے تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو نیک اچھا برتاؤ اچھا رویہ ان کی خدمت گزاری خبر گیری اور ان کے ساتھ بہترین انداز سے تمہارے تعلقات اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف تو خبردار کبھی بھول کر بھی اف مت کہنا ولا تنہرہما اور خبردار ان کو ڈانٹنا نہیں جھڑکنا نہیں وقل لہما قولا کریما اور جب بھی ان سے بات کرنا تو نرم گفتاری سے میٹھی زبان سے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور اپنے بازوؤں کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وہ زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرنا اور جب وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں تب بھی ان کے لیے دعا یوں کرنا کہ اے پروردگار جیسے میرے والدین نے میرے بچپن میں میرے ساتھ
मेहरबानी लुत्फ़ो करम एहसान ममता प्यार का मामला किया परवरदिगार। अब वो तेरे पास पहुंच गए हैं, उनके साथ भी मेहरबानी का बर्ताव कर। आयत करीमा आपने सुनी और उसका तर्जुमा भी हासिल मतलब मैंने आपको बतला दिया, लेकिन अगर हम गौर करें इस आयत करीमा में तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हुक्म दिया है और उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया। वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करें आप, लेकिन हुस्ने सुलूक का अंदाज़ क्या होना चाहिए, शरीयत किस किस बात का हुक्म आपको दे रही है और क्या चाह रही है आपसे, उसकी तशरीह शरीयत ने पूरे तरीके से बयान फरमा दी। आजकल हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज। कुरान शरीफ की इन आयतों में इसका भी ज़िक्र किया गया है, ख़ास तौर से ज़िक्र किया कि अगर वालिदैन एक उनमें से बूढ़ा हो जाए या दोनों हो जाएं, गौर करने की चीज़ है, वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनके साथ उफ़ ना कहो। ऐसा क्यों कहा, वालिद तो वालिद हैं, अगर जवान भी है तब भी उनका एहतराम करना है, इज्जत करना है, लेकिन बुढ़ापे का ख़ास तौर से ज़िक्र क्यों किया है? तो यह हमारी नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है और वो हमारा पैदा करने वाला हमें खूब अच्छी तरह जानता है। आपके वालिद जवान हैं और आप उनके सामने कोई नामुनासिब हरकत करोगे तो आपको प्यार करेंगे कि लगाएंगे ज़ोर से, लगा देंगे, फिर तो आपको सब पता चल जाएगा। तो जवानी में तो आपको वैसे ही डर लगता रहता है माँ बाप से, पिटाई कर देंगे, मारेंगे, घर से निकालेंगे, खाना नहीं देंगे, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब आपको उनकी फिक्र नहीं रहती, ना उनकी पिटाई का डर रहता है, ना उनकी किसी कार्रवाई का डर रहता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन की जवानी का तस्करा नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वालिदैन जवान हो तो इनकी इज्जत और एहतराम ना करो आप, वो तो आप करोगे ही, ऐसे नहीं करोगे तो वैसे करोगे, अस नहीं करोगे तो बस करोगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर से बुढ़ापे का तस्करा किया। तो उनमें से एक बूढ़ा हो जाए या दोनों हो जाए तो क्या कहा, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उफ ना कहो। ये उफ क्या है, आप उफ ना कहो बाकी सब कुछ कहते रहो, चलेगा? उफ को समझने की जरूरत है कि उफ किसको कहते हैं। देखिए, कभी आपने गौर किया होगा, आप आए अभी आकर बैठे नहीं थे अच्छी तरह से, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी घर पे, और अब्बा ने आवाज़ दी, बेटा हाँ दुकान बंद करिया है? हाँ अब्बा बंद करिया। ताला अच्छी तरह से लगा लिया? हाँ लगा दिया था। चेक कर लिया था ताला? लगा कर उसको हिला के देख लिया था? हाँ देख लिया था। वो चपरासी जो है और रात को निगरानी करने वाला, उससे कह दिया था ध्यान रखें? हाँ कह दिया था। वो अंदर वाला ताला, सेफ वाला ताला, वो भी लगा दिया था? अरे भाई लगा दिया था, खाम खा एक एक चीज़ को बार 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 बार। हाँ हाँ लगा दिया था। दिल नहीं चाह रहा है जवाब देने को, लेकिन क्या है, बाप है ना, तो मजबूरी में दे रहा है। तो फला आदमी से जो पैसे आने थे वो आ गए, और उसको जो पेमेंट करना था वो पेमेंट कर दिया? हाँ अब्बा कर दिया। और फला माल जो कम हो गया था वो मंगा लिया, उसको बिल्टी जानी थी वो दे दी? उफ, आपके ज़ुबान से क्या निकलता है
आपने कोई बुरा नहीं कहा, भला नहीं कहा, लेकिन आपके चेहरे पर असरात जाहिर हुए नागवारी के, चेहरे पर बल आ गए, त्योरी चढ़ गई। अब बाप है क्या कहें इनसे, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन क्या है कि ज़िंदगी दो भर कर रखी है। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये भी पसंद नहीं है कि आपके चेहरे पर बल आए और आप उफ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि वो अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? वो आपकी भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं आपको कोई नुकसान ना हो जाए। कभी कभी यार दोस्तों से बात करते करते हमने चाबी घुमाई, किसी ने आवाज़ दे ली, फिर से लौटाल के और ऐसे ही चले आए, ताला चेक किया नहीं अच्छी तरह से। बूढ़े आदमी हैं ना, तो उनको तजर्बा भी है अपनी ज़िंदगी का, दूसरों की भी बहुत सी बातें सुन रखी हैं, तो वो उसको चेक करना ज़रूरी समझते, किस किस का पैसा आया है, किसका जाना है। वक्त पर पहुँच जाए तो बाज़ार में, मार्केट में साख बनी रहती है, जितना चाहो जिससे उधार ले लो और जिसको चाहो जितना माल दे दो। लेकिन अगर ये साख बिगड़ जाए, आपका एतबार उठ जाए मार्केट से, तो आपका सारा कारोबार बेकार हो सकता है। तो बाप क्यों कह रहे हैं ये बार बार ये सारी चीज़ें, एक एक बात इसलिए कह रहे हैं कि उनको आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि जो कारोबार कर रहा है सुबह से शाम तक, हज़ार कमाए, लाख कमाए, मेरे किस काम का, मुझे तो दो रोटी चाहिए, दो कपड़े चाहिए, इससे ज़्यादा तो मेरा खर्चा है नहीं। लेकिन ये जो फ़िक्रमंद है किस लिए, आपकी मोहब्बत की वजह से। वो चाहते हैं कि उनके बेटे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसका कारोबार ना बिगड़े, उसका बना बनाया काम ख़राब ना हो जाए। ये मोहब्बत की इंतहा है जिसकी वजह से वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं। अब वो तो मोहब्बत में पूछ रहे हैं और आप मोहब्बत के जवाब में दे क्या रहे हैं, इजहार नफ़रत का, कराहत का, नापसंदीदगी का, ये जुल्म है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नेकी का जवाब नेकी से देना चाहिए, एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए, मोहब्बत का बदला मोहब्बत से देना चाहिए, नफ़रत और अदावत से नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वला तकुल्लहुमा उफ़, खबरदार उफ़ भी ना कहना। ये तुम्हारी ज़ुबान से जो उफ़ निकला, किसी भी ज़ुबान में, किसी भी डिक्शनरी में देख लो, उफ़ का माना गाली नहीं है, उफ़ का माना कुछ ऐसा नहीं है जिससे माँ बाप की बेइज्जती ज़ाहिर हो रही हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उफ़ के साथ आपके दिल में और आपके चेहरे पे जो तासुरात आ रहे हैं, उनको भी जो नागवारी के हैं देखना नहीं चाहता। एहसान के बदले में एहसान करो, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत से पेश आओ। अब यहाँ उफ़ तो कह दिया कि उफ़ ना कहो। कोई आदमी सोचता सिर्फ उफ़ नहीं कहना है, बाकी जो चाहे कह दें। अब उसकी तशरीफ़ फरमाए वला तकुल्लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, खबरदार डांटना नहीं, झिड़कना नहीं, ज़ोर से नहीं बोलना। उफ नहीं कहेंगे बाकी डांटेंगे झिड़केंगे, क्या खबरदार आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए उनके सामने, डांटना नहीं उनको। वला तनहरहुमा, अब इतना भी डांटेंगे नहीं, बाकी अच्छी ज़ुबान से, ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, जीना हराम कर रखा है, इससे तो अच्छा है कहीं चले जाते, इससे तो अच्छा है हम मर जाते, इससे तो अच्छा है इनके घर ना पैदा होते, हल्की आवाज़ में कह लें तो क्या ये सही है? क्या फरमाया वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जो बात भी कहो भली नेक अच्छी प्यारी मीठी कहो। कितना ख्याल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो ऐसा भी कुछ आप नहीं कर सकते कि आवाज़ तेज़ नहीं करेंगे बाकी जो मन में आएगा वो कह देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की सारी शरारतों का ध्यान रखते हुए वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया।
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل ذلت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو. عام طور پر دیکھا جاتا ہے بچہ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو چھاتی پھولتی ہے اور شانیں اس کے ذرا زخیم ہونے لگتے ہیں، موٹے ہونے لگتے ہیں، یہاں سے اظہار کرتا ہے میں بھی کچھ ہوں. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے دیکھو یہ شانیں اچکا کر کسی اور کو تو دکھا سکتے ہو لیکن ان کو مت دکھاؤ، ان کو مت دکھاؤ. ان کو کیا دکھا رہے ہو؟ انہوں نے تو تمہارا وہ وقت دیکھا ہے کہ جب تم پیشاب کر دیتے تھے، پاخانہ کر دیتے تھے، گندگی کر دیتے تھے، اگر یہ نہ اٹھاتے تو تم اسی کو لیپنے لگتے، اسی کو انہی ہاتھوں کو منہ میں دینے لگتے. تم اتنے بھی نہیں تھے کہ وہاں سے سرک جاؤ. جانوروں کے بچے گندگی کرنے کے بعد تھوڑا آگے سرک جاتے ہیں لیکن انسان کا بچہ اتنا بھی نہیں سرک سکتا. اگر یہ نہ اٹھاتے تمہیں، تم اتنے زیادہ ناطاقتی کا شکار تھے، اتنی بھی طاقت نہیں تھی ذرا سا حرکت کر سکو. اور اگر یہ اپنی انگلی کے سہارے تمہیں کھڑا ہونا نہ سکھاتے تو تمہیں کھڑا ہونا نہ آتا، چلنا نہ سکھاتے تو تم چل نہیں پاتے، اور اگر یہ تمہیں دوڑنا نہ سکھاتے تو تمہیں دوڑنا بھی نہ آتا. سب کچھ تو ان کا دیکھا ہوا ہے، تم کتنے کمزور کتنے ضعیف تھے. جنہوں نے تمہارا وہ زمانہ دیکھا ہے ان کے سامنے اپنی طاقت دکھا رہے ہو، یہ تمہاری حماقت ہے، بے وقوفی ہے. طاقت اسے دکھاؤ جس نے تمہارا یہ زمانہ نہیں دیکھا ہے. انہوں نے تو سب کچھ دیکھا ہے، تو ان کا دودھ پی کر، ان کا کھانا کھا کر، ان کی شفقتوں محبتوں مہربانیوں سے چلنا سیکھ کر، پیروں پہ کھڑے ہو کر انہیں کو آنکھیں دکھاؤ گے، غراؤ گے. یہ نہ شرافت ہے اور نہ یہ احسان ہے اور نہ یہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی لغت میں، کسی بھی زبان میں کبھی اچھا کام کہلا سکتا ہے. یہ ہمیشہ برائی کہلائے گا، اس لیے خبردار ایسا بھی مت کرو. ان کے سامنے جب ملو تو ہمیشہ کمزور بن کر اپنے آپ کو دکھاؤ. تم جتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور کر کے دکھاؤ گے ان کی محبت اتنی ہی زیادہ تمہارے لیے ہوگی. ذرا دیکھو گھر میں دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا مالدار ہے، دوسرا بیٹا کمزور ہے جسم کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے. تو تم دیکھو گے کہ ماں باپ کی ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ اس کمزور کی طرف. ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ ماں باپ کی توجہ، ان کی دعائیں ہمیشہ کمزور کے ساتھ رہتی ہیں. میرا یہ بیٹا کمزور ہے، جسمانی طور پر ہے تب بھی اور مالی طور پر ہے تب بھی. تو تم اپنے آپ کو کمزور بنا کر پیش کرو گے اپنے والدین کے سامنے تو ان کی زیادہ سے زیادہ دعائیں لے سکو گے، زیادہ سے زیادہ ان کی توجہ، ان کی مامتا تمہیں حاصل ہوگی. اور جب وہ تنہائی میں تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر تمہارے رب کے سامنے مانگیں گے، دعائیں کریں گے تمہارے لیے، تو تمہاری صحت بھی مانگیں گے، تمہاری عافیت بھی مانگیں گے، تمہارے لیے دنیا کی کشاکش اور دنیا کا عیش و آرام بھی مانگیں گے. اور تم ان کے سامنے اکڑ کر، ڈانٹ ڈپٹ کر، اپنے آپ کو ایک بہت بڑا پہلوان بنا کر پیش کرو گے تو ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی تمہاری طرف. وہ تمہارے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، وہ اپنے لیے مانگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی کب اس کی فکر ہے. اور کچھ دن رہ گئے ہیں زندگی کے، مر بلا جائیں گے، چلے جائیں گے، وہ اس انداز سے سوچیں گے. تو ماں باپ کی دعائیں کیسے حاصل کرو گے، ان کی عنایتیں اور نوازشیں کیسے حاصل کرو گے، کیسے ان سے بولو گے، کیا کرو گے اور کیا نہیں کرو گے. یہ آپ اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو گے تو آپ کے جسم
की जो ज़ुबान है वो ये बोले कि मैं अपने वालिदैन का एहतराम करता हूँ। आपकी ज़ुबान ही नहीं, आपका जिस्म बोले कि मैं वालिदैन का एहतराम करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, ये परवरदिगार चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने अपने अमल से, किरदार से ये सब कुछ पेश कर दिया, बल्कि आप जब भी अपने लिए कभी कुछ मांगो अल्लाह रब्बुल इज्जत से, नमाज के बाद, तिलावत कुरान के बाद, सदका व खैरात करने के बाद, या कभी भी, तो माँ बाप को ना भूलना, माँ बाप के लिए भी अल्लाह से मांगना कि परवरदिगार उनके साथ अच्छा बेहतर बर्ताव कर, जैसे उसने हमारे बचपन में हमारे साथ किया। बिरादरान इस्लाम, वालिदैन हकीकत में हमारे समाज की बुनियाद होते हैं। हमारा समाज वालिदैन के एहतराम, उनकी इज्जत पर खड़ा हुआ है। ये हमारी जड़ें हैं, जड़ें। और आप समझते हैं कि कोई दरख्त जिसकी जड़ें खोखली हो जाएं, ऊपर कितना ही बड़ा फैल जाए, लेकिन हमेशा ख़तरे में रहता है। अगर जड़ों को पूरी तवज्जो इनायत नहीं मिली और उनको मुनासिब ग़िज़ा फराहम नहीं की गई, तो ये दरख्त किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकता है। अफसोस है इस बात का, हम आज हिंदुस्तान में खड़े होकर वालिदैन के अदब, एहतराम, इज्जत, सुलूक की बात करते हैं। इस्लाम ने हमेशा, सारी दुनिया के लिए उसका पैगाम आम है, हिंदुस्तान ही के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान का तذکرہ हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ की तहजीब, हिंदुस्तान की तहजीब, इसकी तहजीब में वालिदैन के साथ अदब व एहतराम करना, उनके सामने ज़ुबान ना खोलना, उनकी खिदमत करना, ये यहाँ की मिट्टी में है। श्रवण कुमार का आपने तذکرہ पढ़ा होगा, इसी सरजमीन के, इसी हिंदुस्तान से उठे थे कि बाप को आगे बिठाकर और माँ को पीछे बिठाकर, और जहाँ वो कहें वहाँ चल देना। उस ज़माने में वो सहूलतें नहीं थी जो आज सहूलतें हैं, लेकिन क्या हुआ, वो हिंदुस्तान क्या हुआ, वो तहजीब क्या हुई, वो शराफतें कहाँ गईं, वो हमारी संस्कृति हमसे किसने छीन ली, ये इस्लामी आदाब जो कुरान बतला रहा है किसने छीन लिए। आज मुसलमानों का देखिए तो उनका भी वजू टूटा हुआ है, गैर मुस्लिम भाइयों को देखिए तो उनके यहाँ भी यही हाल है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं अमली तौर पर, बूढ़े वालिदैन को भेज दिया जाए ऐसे घरों में जहाँ बूढ़े लोगों के रहने सहने का, खाने पीने का इंतज़ाम होता है। हाँ, साल में एक बार फूलों का एक गुलदस्ता ले जाकर वालिदैन को पेश कर दें, और ये उनसे सर्टिफिकेट लें कि हमारा बेटा बड़ा फर्माबरदार है, साल में एक बार तो आकर हमें पूछ लेता है। ये पेरेंट्स डे है, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे ग्रंथ नहीं सिखाते, ये हमारा कुरान नहीं सिखाता। बदकिस्मती है हमारी, हम हिंदुस्तान में रहते हुए दीन इस्लाम की तालीम जानते हुए और हम अपने वालिदैन को बेयारो मददगार इस तरह से छोड़ दें, इसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो कौम अपनी तहजीब को भूल जाती है, छोड़ देती है, दूसरों की रीस करती है, उनकी तकलीद करती है, उनकी तहजीब को अपनाती है, उन जैसे रवैये अख्तियार करती है, बहुत जल्दी जवाल पजीर हो जाती है। माँ बाप हमारी जड़ें हैं, क्या ये हो सकता है? आप जड़ में एक दरख्त है हरा भरा, टहनियों का बड़ा ख्याल रखें, कीटनाशक दवाएं छिड़की जा रही हैं, कोई कीड़ा ना लग जाए, इसमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए, उसकी डालियों का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है,
लेकिन जड़ के लिए आपकी कोई तवज्जो नहीं है, उसमें कोई बहुत सारा नमक डाल गया, उसमें ऐसी खाद डाल गया ज़्यादा जिससे उसकी जड़ें जल जाएं, गर्म पानी रोज़ाना उसमें उंडेल रहा है कोई, आप समझते हैं कि ये दरख्त बहुत दिनों तक सरसब्ज़ो शादाब रहेगा? नहीं रहेगा। ये आंधी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मामूली तेज़ हवा से किसी भी दिन ढह जाएगा, गिर जाएगा। आप अपनी तहजीब को ना भूलें, आप अपने समाज को उन बुनियादों पर उस्तवार करें, खड़ा रखें जिन बुनियादों पर कुरान ने, हमारे दीन ने हमें खड़ा रखने का हुक्म दिया है। वालिदैन के साथ अगर आपने बेइंसाफी की, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं किया और उनके साथ बेतवज्जही की, यकीन जान लीजिए जो आज आप कर रहे हैं उससे बुरा आपके साथ होने वाला। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ में बहुत सारी आयतें हैं, सबको बयान नहीं किया जा सकता, कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देख लेते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर उसने दरख्वास्त की, अल्लाह के रसूल ये जो फौजियों की जहाद में जाने वालों की लिस्ट बन रही है, मेरा नाम भी इसमें लिखवा दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर एक नज़र डाली और पूछा, अहयुन वालिदक, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? बोला नाम। हाँ अल्लाह के रसूल, वालिद भी जिंदा हैं, वालिदा भी जिंदा हैं। फरमाया, तेरा नाम इस लिस्ट में नहीं लिखा जाएगा, जा अपने घर जा, फफी हिमा फजाहिद, अपने वालिदैन की खिदमत कर, यही तेरा जहाद है, ये सबसे बड़ा जहाद है तेरा, अपने वालिदैन की खिदमत कर। यहाँ पर आकर क्या करना चाहता है? दीन की खिदमत, सवाब कमाना चाहता है। तेरा असल सवाब वालिदैन की खिदमत में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए आया है, फौजी बन रहा है, जान कुर्बान कर देगा मुल्क के लिए, जान कुर्बान कर देगा दीन के लिए, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वापस भेज देते हैं, जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो भाई लफ्ज़ जहाद सुनते हैं और बिदक जाते हैं और समझते हैं पता नहीं क्या है, ये सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की, इन्हीं अल्फाज के साथ, फफी हिमा फजाहिद, एक नेक जज्बा, अच्छा जज्बा, इंसानियत की खिदमत का, यही जहाद है। फरमाए वालिदैन की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जहाद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया और आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपके दस्ते मुबारक पर बैत करना चाहता हूँ। किस बात की? हिजरत और जिहाद के लिए, मैं अपना घर बार छोड़ दूंगा, दीन की सरबुलंदी के लिए निकल जाऊंगा, अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, सर कटा दूंगा, इस बात पर आप मुझसे बैत कर लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहते हो? अब तगिल अजर, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ अजर चाहिए, सवाब चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फहल मिन वालिदी का अहदुन हय्युन, तेरे वालिदैन में से कोई एक भी मौजूद है, वालिद वालदा या दोनों? उसने कहा, किलाहुमा अल्लाह के रसूल, दोनों मौजूद हैं, वालिद भी हैं वालिदा भी हैं। काला फतबतगिल अजर मिन अल्लाह, तब वापस लौट जाओ, जाओ उनकी खिदमत करो, तुम्हें अजर और सवाब उन्हीं की खिदमत में मिलेगा, जाओ लौट जाओ वापस, अजर चाहिए तुम्हें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दर्जा और मर्तबा चाहिए, वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हें अजर सवाब दर्जा मर्तबा सब कुछ इन्हीं की खिदमत से मिलेगा। फ़र्ज अला वालिदी के फ़ाहसिन सोहबतहुमा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सही तरीन रिवायत।
एक और रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे हुए थे, कहने लगे उस आदमी का सत्यानाश हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उस आदमी का सत्यानाश हो जाए। सहाबा किराम ने कहा अजीब आज कैफियत तारी है आपके ऊपर, अचानक बैठे बैठे क्या हो गया। एक साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल किस आदमी का सत्यानाश हो जाए, कौन बर्बाद हो जाए, किसकी नाक खाक आलूद हो। फरमाया उस आदमी की जो अपने वालिदैन को पाए, यानी उसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन मौजूद हों और फिर जन्नत में दाखिल ना हो सके। दोनों बातों में कुछ रब्त नहीं लग रहा है ना, लेकिन दोनों बातों में बहुत बड़ा रब्त है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जन्नत में जाने के लिए आदमी अगर इतना कर ले कि अपने वालिदैन की खिदमत कर ले नेक दिली के साथ और उनकी खिदमत करके उनको राज़ी कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन ये इतना बदनसीब आदमी है कि वालिदैन दोनों ज़िंदा थे, न वालिद की दुआएं ली न वालिदा की दुआएं ली, न उनकी खिदमत की न इसकी खिदमत की, और जन्नत में जाने से महरूम रह गया। इस आदमी से ज़्यादा बदनसीब दुनिया में और कोई नहीं। क्या फरमाया रसूल अकरम ने, जन्नत में जाने के लिए आपके लिए इतना अमल काफ़ी हो सकता है, तौहीद पर कायम रहो, नमाज रोज़ा करते रहो, जन्नत में जाने के लिए वालिदैन की खिदमत काफ़ी हो सकती है, तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगी। लेकिन अगर कोई आदमी सब कुछ करे और वालिदैन की खिदमत ना करे और जन्नत में जाने से महरूम रह जाए, रसूल अकरम फरमाते हैं वो दुनिया का सबसे बदतरीन आदमी, सबसे बदनसीब आदमी है। आज हमारा हाल क्या है, हम देखते हैं हमारे बहुत सारे भाई हैं, जाते हैं बड़ी बड़ी दूर यात्राएं करते हैं, सफ़र करते हैं दूर दूर बुजुर्गाने दीन की ज़्यारतों के लिए, बड़े बड़े धामों पर वहाँ पर बरकतें हासिल करने के लिए, और बरकतें उसके घर में बैठी हुई हैं इनकी फिक्र नहीं है। बरकतें कहाँ ढूंढ रहा है, बाहर, और बरकतें यहाँ पर हैं। जन्नत ढूंढ रहा है बाहर जाके और जन्नत घर में बैठी हुई है। जन्नत यहाँ से मिलेगी तो यहाँ की उसको फिर नहीं है, माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा, माँ बाप को कपड़े अच्छे नहीं पहनाएगा, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करेगा, और यहाँ वहाँ जा रहा है, सोच रहा है यहाँ से जन्नत भी मिल जाएगी, कामयाब भी हो जाऊँगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाऊँगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक साहब आए, आकर कहने लगे मौलवी साहब कुछ दिनों से बहुत अजीब से हालात हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, बड़ी मेहनत करता हूँ जो कुछ भी करता हूँ उल्टा हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था, कारोबार बहुत अच्छा था, मेरी दुकान सुबह से शाम तक चलती रहती थी, बल्कि पड़ोसी लोग हसद करते थे मुझसे। तो आपका क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है किसी ने दुकान बंदवा दी है, जादू करवा दिया है, टोना टोटका करवा दिया है, जिसकी वजह से कारोबार नहीं चल रहा है। तो हमने कहा कि आपके वालिदैन मौजूद हैं, कहने लगे हाँ हैं, उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं, कहने लगे कि हाँ उनसे ताल्लुकात, मौलवी साहब असल में कुछ दिनों से ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे। तो हमने कहा देखिए आप जाइए और अपनी अहलिया को साथ लेकर लाइए, आइएगा फिर हम आपको बताएंगे। दो एक दिन के बाद फिर वो आए, दोनों को बिठा ला, हाँ आप बताइए, फिर उन्होंने वही सारी कहानी बताई, कारोबार नहीं चल रहा है, बहुत परेशान हैं, बच्चे पालना दुश्वार हो रहा है, दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है, लग रहा है किसी ने जादू कर दिया, ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है।
हमने उनसे पूछा उनकी मौजूदगी में ये जो वालिदैन से आपके ताल्लुकात ख़राब हुए ये कब हुए, शादी से पहले या शादी के बाद? कहने लगे नहीं मुल्ली साहब ये तो शादी के बाद ऐसा हो। शादी से पहले बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे वालिदैन और हर वक्त हमारा ही दम भरते रहते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त हमको बुरा कहते रहते हैं और इनको भी गालियां देते रहते हैं और ऐसा है और वैसा है। हमने कहा देखिए ना तो किसी ने आपकी दुकान बंदवाई है, ना कारोबार आपका बंदवाया है, ना किसी ने जादू किया है, ना किसी ने टोना किया है। फिर मौली साहब असल ये है कि आप जिस दरख्त को सरसब्ज करना चाहते हैं आपके वालिदैन उस दरख्त की जड़ में गर्म पानी डाल रहे हैं रोज़ाना। कहने लगे मौली साहब हमने तो कोई दरख्त लगाया नहीं है। मैंने कहा दरख्त नहीं लगाया आपने तभी तो आपकी तिजारत नहीं चल रही है, दरख्त लगाइए। समझ नहीं रहे भाई। फिर उनको समझाया गया कि आप जो कुछ कोशिश और मेहनत कर रहे हैं और वालिदैन आपकी बर्बादी के लिए बददुआएं कर रहे हैं सुबह से शाम तक, आप क्या समझते हैं वालिदैन की बददुआओं के साथ आप कामयाब हो जाएंगे? जिस बेटे के लिए वालिदैन बददुआएं कर रहे हैं कि परवरदिगार इसको कामयाबी ना दे, इसको बर्बाद कर दे, इसको ऐसा कर दे, इसको वैसा कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में आपकी दुआएं, आपके दुआ तावीज और ये जो आप जतन कर रहे हैं, हमसे पहले बहुत सारे लोगों के पास आप गए होंगे और यहाँ से बहुत कुछ आप लेकर भी आए होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं तो आप हमारे पास आए हैं। भाई साहब नुस्खा हमारे पास है और ऐसा है इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपको और आपसे पहले इनको, ये जो आपकी अहलिया मोहतरमा बैठी हो, इनको जाके वालिदैन से माफ़ी मांगनी होगी, उनसे माफ़ी मांगें, ताल्लुकात नॉर्मल करें, दुआ हम आपको सिखा देंगे, ऐसी दुआ सिखा देंगे इंशाल्लाह आपका कारोबार फिर से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। थोड़ी देर सोचते रहे, कहने लगे मिल साहब करेंगे करेंगे। हमने कहा जाइए दुआ तो बता दीजिए, मैं दुआ तभी बताएंगे जब हालात नॉर्मल करके आ पाएंगे, उससे पहले दुआ नहीं बताएंगे। आप वालिदैन को जाके राज़ी कीजिए और हमें आकर ये बताइए कि हाँ वो राज़ी हो गए और अब आपके लिए दुआ करने के लिए वो तैयार हो गए, दुआ हम बता देंगे इंशाल्लाह आपका कारोबार सही हो जाएगा, जो बंद गया है वो भी खुल जाएगा। क्या है भाइयों, घर घर यही सूरत हाल है और हम दूसरों को दोष देते हैं, अपने पड़ोसियों को, फलां दुकानदार ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया, फलां आदमी हमसे हसद करता है, फलां आदमी हमसे दुश्मनी रखता है। इधर उधर मत देखो, अपने घर में देखो आपके वालिदैन आपके लिए क्या कर रहे हैं। वालिदैन की बददुआएं लेकर आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते और ये वालिदैन ही हैं कि अगर आपने इनको राजी कर लिया तो यूं समझो आपने अपने रब को राजी कर लिया। आइए एक हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं और अल्लामा अल्बानी ने इसको सहीह में जिक्र फरमाया कि सही तरीन हदीस है और दो लफ्ज़ों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कह दी कि बड़ी बड़ी तकरीरों में हम वो नहीं कह सकते। क्या फरमाया? फरमाया रिज़ा रब फ़ी रिज़ल वालिद व सख़त रब फ़ी सख़त वालिद। देखो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो जाए, और भाइयों अगर किसी का रब उससे राज़ी हो जाए तो उसे और किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या नहीं देगा वो? वालिदैन राज़ी होते हैं तो क्या नहीं दे देते हैं आपको? आप राज़ी होते हैं तो अपने बच्चों को क्या नहीं दे देते? आप अपने आप को देखो अपने बच्चों के साथ, ऐसे ही आपके वालिदैन अगर वो राज़ी हैं तो अपना सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ कारोबार ही नहीं। और अगर नाराज़ हैं तो एक फूटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं होते।
और तुम्हारा रब अगर तुमसे राजी है तो जो चाहो मांग लो, उसके यहाँ उसके ख़जाने तो कभी खाली ही नहीं होते। सारी मखलूक को, इंसान जिन फरिश्ते सब को, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो दे दे, नवाज दे जितना वो चाहते हैं, फिर भी उसके ख़जानों में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आती। ऐसा है वो दाता, ऐसा है देने वाला। तो क्या फरमाया कि वालिदैन की रज़ामंदी में रब की रज़ामंदी है। अगर वालिदैन राज़ी हैं तो रब राज़ी है, और वालिदैन नाराज़ हैं तो रब भी नाराज़ है। अब आप गुरु को और पीर को राज़ी करते रहो और वालिदैन को नाराज़ कर दो, तो आपके गुरु और आपके पीर राज़ी होकर वो नहीं कर सकते जो आपके वालिदैन नाराज़ होकर आपका बिगाड़ रहे हैं। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, किसी आदमी का अपना फ़लसफ़ा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना चाहते हो, दुनिया बनाना चाहते हो, आखरत बनाना चाहते हो, तो अपने रब को राज़ी करो, और रब राज़ी होगा जब वालिदैन राज़ी हो जाएंगे। इनको राज़ी करो, सुबह शाम इनकी दुआएँ लो, उनके पास बैठो, उनका हाल चाल पूछो, वक्त बे वक्त उनकी पसंद की चीज़ें लाकर उनको देते रहो। वो खाएं या बांट दें, तुम्हारे ही बच्चों में बांट देते हैं, लेकिन उनको राज़ी रखो। राज़ी रखोगे तो तुम्हारे सारे काम बने रहेंगे, कोई काम नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रज़ामंदी को वालिदैन की रज़ामंदी में रखा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ है आपसे तो सारी दुनिया राज़ी हो जाए, वो बिगाड़ेगा तो कोई सुधार नहीं सकता। और वो नाराज़ हो जाएगा अगर आपने वालिदैन को सताया, उनकी बददुआएं ली, क्योंकि उसी ने तो हुक्म दिया था कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, और आप नेक सलूक करने के बजाय बुरा सलूक कर रहे हो उनके साथ। एक और हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हदीस तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ मैं कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ की कि आपको एक ऐसी चीज़ बतलाऊँ जो आप वो अपील भी करे और आपने शायद ना सुनी हो। एक आदमी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, और आकर उसने कहा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आपने पूछा क्या हुआ, क्या किया? क्या बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे? क्या गुनाह हो गया कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया? क्या गुनाह हो गया? एक नौजवान लड़की को मैंने कत्ल कर दिया। गुनाह तो वाकई बहुत बड़ा कर दिया तूने, क्यों कत्ल कर दिया भाई? बात यह थी कि मैं उससे मोहब्बत करता था, मैंने उसको निकाह का पैगाम दिया और उसने इनकार कर दिया, और मेरे ही महल्ले के एक दूसरे लड़के ने उसको निकाह का पैगाम दिया और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गैरत को चैलेंज किया उसने, फ़कतल तो हा, लिहाजा मैंने उसको कत्ल कर दिया। अब कत्ल तो कर दिया लेकिन अब नदामत और शर्मिंदगी के मारे मेरे रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन सुकून सब छिन गया है। कोई रास्ता बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस गुस्ताखी, इस ख़ता को माफ़ फरमा दे। पूछा आपने तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारी माँ है? कहने लगा वालिदा तो नहीं है, वालिदा नहीं है। तो जाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, और जो कुछ भी तुम कर सकते हो तौबा इस्तग़फ़ार के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदका खैरात समाज को बनाने में, समाज की भलाई में जो कुछ भी तुम कर सकते हो करो, जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा कबूल कर लेगा तुम्हारी। वो आदमी तो चला गया। जो साहब ये बात सुन रहे थे,
वो आदमी चला गया तो अब ये हज़रत इब्ने अब्बास के पास आए और आकर कहा, हज़रत एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? तो उस आदमी ने अपनी कैफियत जिक्र की, आपने पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है, उसने कहा नहीं, तो आपने कहा जाओ तौबा करो, ऐसा करो वैसा करो, माँ का इससे क्या लेना देना है? फरमाया माँ का लेना देना यह है कि इसने गुनाह तो बहुत बड़ा किया है और मैं अपने इल्म की बुनियाद पर यह जानता हूँ, ला आलमु अमलन अक्रब इलल्लाह अज़्ज़ा वजल मिन बिर्रिल वालिदा, दुनिया में मेरी नज़रों में कोई अमल इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाला और उससे क़ुर्बत और नज़दीकी पैदा करने वाला नहीं है जितना के वालिदा के साथ हुस्न सुलूक करना, उसकी दुआएं लेना। मेरे नज़दीक इससे बड़ी कोई नेकी नहीं। इसीलिए मैंने पूछा था कि तेरी वालिदा जिंदा, अगर होती तो मैं ये कहता कि जाओ अपनी वालिदा की खिदमत करो और उससे अपने लिए दुआएं करो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं और अल्लाह के रसूल ने उनके लिए ख़ास तौर से तफसीर कुरान के लिए दुआ फरमाई थी, इसलिए मुफस्सरीन में सहाबा किराम में सबसे ऊँचा दर्जा रखते हैं। एक और हदीस, हजरत तीसला जिनका नाम अली बिन हयास है, कहते हैं एक ज़माना मेरा ऐसा गुजरा है कि मैं खारजियों के साथ था। खारजी एक फ़िरका था साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के ज़माने में, बड़ा अजीब फ़िरका, दीनदारी का उसको हैज़ा हो गया था, अजीब तरह की दीनदारी, इतनी दीनदारी कि एक आदमी गुज़र रहा है और खजूर के पेड़ के नीचे खजूर पड़ी हुई है, उठा के खा ली और खाने के बाद ख्याल आया ये तो किसी दूसरे की थी, बग़ैर इजाज़त के खा ली, अब परेशान है, फिर रहा है सब में, पूछता हुआ ये दरख्त है किसका ताकि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ या पैसे मांगे तो पैसे दे दूँ, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया मैंने। कितनी ज़बरदस्त दीनदारी है। लेकिन यही आदमी उसके इलाके से सहाबी रसूल के साहिबजादे की हामला बीवी गुजर रही है तो उससे पूछता है कि अली के बारे में क्या ख्याल है, वो कहती हैं कि वो अल्लाह के रसूल के दामाद हैं, बड़ी फजीलतों वाले हैं, बड़े दर्जों वाले हैं, ऐसा है और वैसा है, तो नाराज़ हो जाता है कि अली को ये मुसलमान और जन्नती बता रही है तो उसका पेट चाक कर देता, हमला है उसका बच्चा निकाल देता। कैसी है नहीं ख़तरनाक किस्म की दीनदारी। ऐसे लोगों में मैं एक ज़माने तक रहा हूँ और वो लोग जैसा करते थे मैं भी वैसी करता रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुसीबतों परेशानियों में नहीं गुनाहों में और बदकारियों में गुजरी, कोई सूरत है मेरी तौबा की, बड़े गुनाह मैंने किए हैं। उन्होंने पूछा तूने बड़ा गुनाह किया, तू जानता है बड़ा गुनाह किसको कहते हैं? कहा कि आप बताइए, तो फरमाया कि 9 गुनाह हैं जो कबीरा कहलाते हैं, बड़े गुनाह। उनमें सबसे पहला गुनाह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी दूसरे को हाजत रवा मुश्किल कुशा और उसका शरीक मानना, दूसरा किसी इंसान को चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो उसको कत्ल कर देना, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो कत्ल कर देना, ये सबसे बड़ा गुनाह। तीसरा मैदान जंग से बुजदली की वजह से भाग खड़ा होना। चौथा किसी पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम तराशी करना। छठा सूद खाना। सातवां यतीम का माल खा जाना। आठवां मस्जिद में बेदीनी करना। नवां लोगों के साथ गलत व्यवहार करना और उनको जादू टोने में फंसाना। और नवां गुनाह बतलाया क्या?
बुकाउल वालिदैन वल उकूक, वालिदैन को अपनी नाफरमानी से रोने पर मजबूर कर देना। हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी ये कबायर में से है। छोटे मोटे गुनाह हमसे आपसे सबसे होते रहते हैं, नेकियां करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सदका खैरात की बरकत से, नमाज रोज़े की बरकत से हमारे उन गुनाहों को माफ़ करता रहता है बग़ैर हमारे माफ़ी मांगे, माफ़ कर देता है। गुनाह हो गया हमसे, इंसान थे हम, गुनाह हो सकता है, फिर हमने नेकी का काम किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत गुनाहों को माफ़ कर दिया और नेकियों को हमारे नामा आमाल में लिख दिया। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अगर आपने तौबा नहीं की और मर गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करता, आपके नेकियों से माफ़ नहीं होते। आप कितनी ही नेकियाँ करें, आप 100 आदमियों को खाना खिलाएं रोज़ाना और वालिदैन की नाफरमानी करें तो 100 आदमियों को खाना खिलाना आपका आपके वालिदैन की नाफरमानी का बदल नहीं हो सकता। ये कबीरा गुनाह है हुकूकुल वालिदैन। आपने पूछा क्या चाहता है तू, कहा ये चाहता हूँ जहन्नम से निजात मिल जाए, जन्नत में जगह मिल जाए। पूछा कि ये बता तेरे वालिदैन जिंदा हैं, कहा कि वालिदैन तो नहीं है, हाँ वालिदा हैं, मेरी वालिदा जिंदा हैं। फवल्लाही लौ अलंतलहल कलाम वअतअतअमतह ताम लतदखुलनल जन्नत मस्तुनिबतिल कबायर। फरमाया देख अगर माँ जिंदा हैं तो तेरे लिए बहुत सुकून की बात है, तेरा मामला आसान हो गया। तूने गुनाह बहुत बड़े बड़े किए, बड़े बड़े गुनाह किए, लेकिन माँ जिंदा है तो जा हमेशा उससे नरम गुफ्तारी से पेश आना, प्यार भरी बात करना उससे, बेहतर से बेहतर खाना खिलाना उसको, बेहतर से बेहतर कपड़े पहनाना और उसके साथ हुस्न सलूक करना। देख जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा अगर तू ये जो कबीरा गुनाह मैंने बतलाए हैं 9 इनसे बचता रहा। देखा आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हिदायत दी, सहाबा किराम का अमल और किरदार क्या था, माँ बाप के साथ भलाई करना, सलूक करना, ये हमारे रब का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है। एक हदीस मुस्लिम शरीफ की और आपको सुनाना चाहूँगा। हजरत जुरैज, बड़ा ऊंचा नाम है औलिया कराम बुजुर्गान दीन में, जिनका जिन औलिया कराम का अहदीस में तज़किरा किया और रसूल अकरम ने तज़किरा फरमाया। हदीस कई नकल किए हैं इमाम मुस्लिम ने, उन दोनों के खुलासे को आपके सामने रखूंगा मुख्तसर अल्फाज में। फरमाया दुनिया में दूध पीते बच्चों ने, 3 बच्चों ने कलाम किया, उसमें एक जुरैज वाले किस्से में जिस बच्चे का जिक्र है वो है। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल ये जुरैज कौन है, ये क्या इनका किस्सा है, तो आपने फरमाया कि जुरैज बनी इसराइल में एक बहुत बड़े आबिद और जाहिद आदमी थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े फरमाबरदार। उन्होंने बस्ती से अलग होकर अपना एक इबादत खाना बना लिया था, उसी में रहते थे, इबादत करते थे और दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं रखते थे। एक बार उनकी वालिदा, उनसे कोई काम था, उनसे मिलने के लिए गईं। वालिदा ने जब आवाज़ दी जुरैज, तो हज़रत जुरैज नमाज में थे, अब सोचने लगे क्या करूं, नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हूं, वालिदा आवाज़ दे रही है नमाज तोड़ दूं ना तोड़ूं, तोड़ दूं ना तोड़ूं, इसी कश्मकश में फ़ैसला नहीं कर पाए। माँ आवाज़ देकर वापस चली गई, दूसरे दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, और जब भी वो आई उन्होंने आवाज़ दी ये नमाज में ही थे और इन्होंने नमाज की मशगूलियत की वजह से अल्लाह के दरबार में हूँ, लिहाजा नमाज से फारिग होने के बाद वालदा को जवाब दूंगा, ये सोचकर इतनी देर में वालदा चली गई। तीसरे दिन वालिदा ने कहा तो बड़ा नमाजी बन रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त तक तुझे मौत ना दे जब तक तू फाहिशा औरतों का मुँह ना देखे, और ये कहकर चली गई। बनी इसराइल में एक फाहिशा औरत थी
बड़ी हुस्न व जमाल की पैकर, जो देखता उसको देखता रह जाता। जो लोग उसके पास आते जाते थे तो वो भी खूब घमंड और गुरूर करती थी, जिसको चाहूं अपने बस में कर लूं। लोगों ने कहा कि अरे किसी को भी कर ले, लेकिन जुरैज को नहीं कर सकती। उसने कहा ऐसी क्या बात है, जुरैज क्या बेचते हैं, जुरैज क्या बेचते हैं मेरे सामने, अरे मैं जुरैज को भी करके दिखाऊंगी अपने बस में। शर्त लग गई। उसने कहा अच्छा। हजरत जुरैज किसी काम से निकले थे, वो आई सामने और उसने मीठी मीठी बातें करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं। जब उन्होंने देखा नहीं तो इसको और ज़्यादा आग लगी। सारी दुनिया मेरे आगे पीछे फिरती है, मुझसे बात करने के लिए मुश्ताक रहती है, और एक ये आदमी है मेरे हुस्न की तौहीन कर रहा है। क्या अच्छा मियाँ, दिखाती हूँ तुम्हें। गई एक चरवाहा बकरी चराने वाला हजरत जुरैज के इस इबादत खाने के नीचे, दिन भर बकरियां चराता और बकरियों को लाकर यहीं पर रोकता और यहीं रात को गुजार करता था। इस फाहिशा औरत ने इस चरवाहे के साथ जना किया, और कुछ दिनों के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने कहा कि ये बच्चा किसका है। तो उसने कहा किसका है, किसका होता, तुम क्या समझते हो किसका है, क्या हमें क्या मालूम, तू बता। क्या उन्हीं का है, जुरैज का। कौन जुरैज? वो अभी तो जाहिद आदमी, वलीउल्लाह। कहा कि हाँ तुम्हारी नज़रों में वलीउल्लाह हैं, लेकिन उनके करतूत क्या है तुम्हें क्या मालूम। अरे लोगों ने कहा ये मामला है। बादशाह से जाकर कहा कि हुजूर देखिए वलियों की सूरत इख्तियार करके क्या करतूत हैं इनके। बादशाह ने जब सुना उसको भी बहुत गुस्सा आया, ये तो बड़ी मक्कारी है। कहा कि जाओ जुरैज के हाथों को उनके गर्दन से बांध के मुजरिमों की तरह से उनको दरबार में हाजिर करो। ले गए, लोगों को गुस्सा था। पहले तो उनका इबादत खाना तहस नहस किया। जब वो तोड़ने लगे तो हजरत जुरैज ने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ तुम लोगों को, क्या मेरा इबादत खाना क्यों तोड़ रहे हो। कहा कि अच्छा बड़े पारसा बने फिर रहे हैं, इधर आओ। और पुलिस वाले आए, उनके हाथ बांधे गर्दन से और लेकर चले। रास्ते में जब वो गुजरे उस महल्ले से जहाँ फाहिशाएँ रहती थीं, तो वो सारे शहर में हंगामा था। एक वलीउल्लाह से इतना बड़ा जुर्म हो गया। जुर्म तो रोज़ाना होते रहते हैं, लेकिन किसी और से हो जाए किसी को कानो कान खबर नहीं होती, हो भी जाए तो कोई आदमी कह रहे, लेकिन एक वली सिफत आदमी से ऐसा हो जाए, वो भी देखने के लिए आई तमाशा। तो जब वहां से गुजरे तो उनको देखकर हजरत जुरैज मुस्कुराए। लोगों ने देखा, वहां से यहां तक तो ये खामोश चले आए थे, लेकिन यहां जब पहुंचे तो इनको देखकर ये मुस्कुराए। लोगों को हजम नहीं हो रही बात। गए बादशाह से जाकर उनके सामने हाजिर किया, कहा कि किस जुर्म में मुझे यहाँ पर लाया गया है। कहा कि अच्छा जुर्म पूछ रहे हो, ये बताओ ये बच्चा किसका है, क्या बात क्या है। कहा कि ये औरत कहती है बच्चा तुम्हारा है। कहा कि बच्चा कहाँ है। तो उनका औरत के गोद में था, आप गए और जाकर उसके पेट में उंगली गड़ाई और कहा कि ए बच्चे तेरा बाप कौन है। तो वो बच्चा माँ का दूध पी रहा था, उसने माँ का दूध छोड़कर कहा कि मेरा बाप फला चरवाहा है। ये बात तो बहुत बड़ी करामत थी, सारे लोग दंग रह गए। बादशाह को भी बड़ा अफसोस हुआ कि हमने एक वली के साथ कितना बड़ा जुर्म किया और कैसी गलत बात उनके बारे में हमने सोची। माफ़ी मांगने लगा, सारे लोग माफ़ी मांगने लगे। बादशाह ने कहा हम आपका इबादत खाना सोने का बनवा देते हैं। कहा कि नहीं नहीं मुझे सोने का नहीं चाहिए, मेरा वैसा ही बनवा दो जैसे मिट्टी का था। क्या ठीक है बनवा देंगे, और इज्जत एहतराम ये वो सब कुछ। लोगों ने कहा कि हुजूर जब ला रहे थे तो फाहिशा औरतों के महल्ले से जब गुजरे थे तो उनको देखकर हंसे थे ये। तो बादशाह ने कहा कि देखिए
अब सारी बात तो खुल गई है, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, वो बता दीजिए वो क्या है। कहा कि क्या बात? कहा कि जब आप आ रहे थे, मुजरिमों की तरह से लाया जा रहा था, फाहिशा औरतों के महल्ले से जब आप गुजरे थे तो उनको देख के आप हंसे क्यों थे? कहा कि छोड़ो, ये बात तुम्हारे समझने की नहीं है, इसका ताल्लुक मुझसे मेरे रब से है। कहा कि नहीं नहीं, आपको ये तो बताना ही पड़ेगी। जब इसरार किया तो फरमाया, असल में बात यह है, ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ये मेरी वालिदा की बद्दुआ की वजह से हुआ। मेरी वालिदा ने मुझे ये बद्दुआ दी थी कि मैं उस वक्त तक ना मरूं जब तक के फाहिशा औरतों का मुंह ना देख लूं। तो जब मुझे मुजरिमों की तरह से लाया जा रहा था तो फाहिशा औरतें वहां पर खड़ी थी तवायफें और देखकर मुझे ताज्जुब कर रही थी। तो मुझे देखकर वो बात याद आ गई कि मेरी माँ की बद्दुआ मेरा पीछा कर रही है और ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ माँ की बद्दुआ की वजह से हो रहा है। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। बिरादरान इस्लाम, दीनी भाइयों, सही हदीस है, ये कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है और भी दीगर मुहद्दिसीन किराम ने अपनी अपनी किताबों में इसको नकल किया है। जब एक वली जिसकी विलायत में कोई शक नहीं, नबी अकरम जिसको वली बतलाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हाथ पर इतनी बड़ी करामत का जुहूर फरमाए, एक वली को अगर माँ की बद्दुआ इस हद तक पहुंचा सकती है तो आप अंदाजा लगाओ आपके और हमारे साथ क्या नहीं हो सकता है। खबरदार, खबरदार, दिल में अगर वालिदैन की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का मैल है दिल से निकाल कर बाहर कर दो। उनके बारे में कभी बुरा मत सोचना, उनकी कभी बद्दुआ ना लेना। हजार जतन करोगे कामयाबी के और उनकी बद्दुआ अगर तुम्हारे पीछे लगी हुई है तो हजार जतन बेकार हो जाएंगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। इस दुनिया का ये कायदा है, यहाँ जो कुछ हम करते हैं हमारा अकीदा है, यकीन है, एक दिन क़यामत आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होकर हर एक अमल का हमें जवाब देना होगा। लेकिन बाज अमल ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका बदला इसी दुनिया में दिखा देता। बहुत सारे वाक़यात हैं, उन तमाम को छोड़कर मैं आपको सिर्फ एक बात, शाहजहाँ बड़ा नामी ग्रामी बादशाह गुजरा है, हिंदुस्तान में बेमिसाल माया नाज इमारतें उसने खड़ी की, हिंदुस्तान का सर फख्र के साथ आज बुलंद है। उन इमारतों की वजह से ताजमहल को देखो, दिल्ली की जामा मस्जिद को देखो, शालामार बाग को देखो, एक से एक बढ़कर इमारतें। लेकिन जिंदगी का एक वक्त ऐसा आया कि उसी के बेटे ने उसके खिलाफ बगावत की, गिरफ्तार कर लिया, कैदी बनाकर आगरे के किले में रखा। पूछा, क्या काम चाहते हैं आप? जाहिर है वक्त गुजरेगा कैसे, कोई ऐसा एक काम बता दीजिए जिसमें आपका वक्त गुजर जाए, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो चीज़ हम फराहम कर देंगे। कहा कि बच्चों को पढ़ाना ये चाहता हूँ। औरंगज़ेब ने कहा, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सरदारी की बू, बादशाहत की बू अभी दिमाग से गई नहीं आपके, अब और लोगों पर बादशाहत नहीं करेंगे तो बच्चों पे करेंगे। कहा चलिए कोई बात नहीं है, मान ली जाएगी। एक बार उनके मुसाहिब जो उनके साथ रहा करते थे उनको भी, कुछ लोगों को उनके साथ रहने की इजाज़त दे दी। एक साहब ने कहा कि बड़ा नालायक निकला आपका ये बेटा। कहा क्यों नालायक, क्यों कह रहे हैं उसको? कहा कि देखिए, बाप को गिरफ्तार करके कैदी बना दिया। कहा कि नहीं नहीं, ये बेटे का कसूर नहीं है। कहा फिर? कहा कि ये कसूर हमारा है, ये कसूर हमारा है, हमने अपने बाप के साथ यही किया था तो हमारे बेटा हमारे साथ ही कर रहा है। जो करोगे वो पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी दुनिया में दिखा देता है। तो वालिदैन के साथ
हुस्ने सुलूक के अलावा कुछ और करने की दिमाग में कोशिश न करना। आज जो कुछ तुम अपने वालिदैन को जैसा खिला रहे हो, जैसा पहना रहे हो, जैसी जगह रख रहे हो, कल उम्मीद रखो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। बहुत दिन हो गए, एक अफसाना, एक किस्सा, एक कहानी अखबार में छपी। मियाँ बीवी ने बुढ़िया बुढ़ों के लिए दो बर्तन खास किए हुए थे। खाना पककर आ जाता था, घर की बाहर की ड्योड़ी में दोनों को कर दिया, वहां रहे, बाकी सारे लोग घर में रहे, और उन्हीं में उनको खाना दिया जाता था, और इन्हीं बर्तनों में बच्चे की माँ, इसकी बीवी, अपने कुत्ते को दूध भी पिलाती थी और चीज़ें भी, और जब इनको खाना देता होता उसको धोके और उन्हीं को दे देती। इत्तेफाक से वालिदैन का इंतकाल हो गया तो माँ उठी उन बर्तनों को तोड़ने के लिए, तो बेटे ने कहा मम्मी ये मत तोड़ो, रहने दो। कहा क्यों बेटा, अब क्या ज़रूरत है इसकी, तुम्हारे दादा दादी तो मर गए, अब कौन खाएगा इसमें। कहा कि नहीं नहीं रहने दो, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो हम इसमें आपको खिलाएंगे। उसके दिमाग में तब बिजली कौंधी कि ये क्या कह रहा है बच्चा, और उसने कहा कि हमने देखा है बूढ़े वालिदैन को इन्हीं बर्तनों में खिलाना चाहिए, जो कुछ आपसे सीखा है वो तो हम करेंगे ना। आप अंदाज़ा कर सकते हैं ना, ये सोच ये आपके बच्चों में ऐसे ही पैदा होगी। तकरीबन 30 साल का अरसा हुआ, मेरे एक दोस्त है कश्मीर के, उन्होंने एक वाक़या सुनाया। यहाँ से दिल्ली से एक बहुत बड़े आलिम कश्मीर में किसी इजलास में गए, तो एक आदमी आया उनका नाम सुनकर और उनसे आकर शिकायत की कि हज़रत दुआ फरमा दीजिए, मेरा बेटा बड़ा नालायक है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता बल्कि मुझको मारता पीटता है। उन्होंने कहा कि खाली दुआ से क्या काम होगा, बच्चे को लेकर आओ, मैं उसको नसीहत करूँगा, समझाऊँगा, तुम्हारी खिदमत करे। कहा कि ठीक है, गया घर, कहा बेटा तुम्हें मौलवी साहब बुला रहे हैं, दिल्ली से आए हैं, बहुत बड़े मौलवी साहब हैं, चलो। उसने कहा चलो, आ गया वो, यहाँ पर आया, मौलवी साहब के सामने बैठा, मौलवी साहब ने उसको नसीहत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है, रसूल अकरम ने ये कहा है, कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। सुनता रहा, कुछ नहीं कहा उसने। उमरी साहब ने कहा कि मेरी बात समझ में आई। कहा कि हाँ आई। कहा लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपने वालिदैन को, अपने वालिद को मारते हो बजाय खिदमत करने के। कहा मौलवी साहब ये जो बातें आप बता रहे हैं पहली बार मैंने सुनी हैं, ये मेरे बाप हैं, जब मैं पैदा हुआ और जब थोड़ा सा शऊर मुझे आया इन्होंने मेरे हाथ में एक डंडा दे दिया, डंडा दे दिया और बकरियाँ मेरे हवाले कर दी कि जाओ ले जाओ जंगल में चराओ इनको। दिन भर चराता और शाम को लेकर आ जाता। एक बड़ी बिरादरी है बकरवाल की कश्मीर में। मैंने ये देखा कि इस डंडे में बड़ी ताकत है, कोई भी बकरी जब रेवड़ से इधर उधर होती है तो डंडा मारता हूँ सीधी हो जाती है, इधर उधर भागती है डंडा दिखाता हूँ तो बिल्कुल सीधी हो जाती है। इस डंडे की करामत मुझे खूब अच्छी तरह से मालूम है। मेरे वालिदैन ने जो बातें आज आपने बतलाई हैं मुझे कभी नहीं बतलाई, माँ की क्या खिदमत होनी चाहिए, बाप की क्या खिदमत होनी चाहिए। मेरे बाप ने तो मुझे ये डंडा दिया था और ये बतलाया था इस डंडे में ये सिफत है, ये करामत है, जिसके सामने भी जिसको भी लगाओगे वो सीधा हो जाएगा,
जब ये टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो मैं इस डंडे ही को काम में लाता हूँ। देखा आपने, इबरतनाक ये कहानी है। 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, मैं कभी नहीं भूला इस कहानी को। क्यों? इसलिए कि अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत देंगे तो हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। ये जो कुछ भी हमने बतलाया, वालिदैन की खिदमत और ये सारी चीज़ें तो बताएं, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि सारी जिम्मेदारी बच्चों की है, माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर माँ बाप अपने हुकूक बच्चों से हासिल करना चाहते हैं तो माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के हुकूक अदा करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप पर यह लाजिम किया है कि अच्छी जगह अच्छी औरत से शादी करें, नेक अच्छी दीनदार दीन वाली। फिर अगर कोई बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दे तो अच्छा प्यारा सा नाम रखें। आजकल हमारे यहाँ समाज में देखो, गुड्डू पप्पू तो आम तौर पर घरों में बचे हुए हैं, बाकी बुद्धू कल्लू भी भरे हुए हैं। बच्चा है, आपने कुछ भी कह दिया उसको, उसको कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, होश अक्ल व शऊर उसको आया, अब उसके साथ ही जब उसको बुद्धू और कल्लू कह के पुकारते हैं तो अपने दोस्तों में कितना शर्मिंदा होता है। कभी आपने सोचा बच्चों का नाम इस तरह से ना रखें, जुमराती शुभराती, क्यों रख रहे हैं आप ऐसे नाम? किसने बताया आपको ऐसे नाम रखने के लिए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अच्छा नाम रखे बच्चे का, कल को जब वो बड़ा हो जवान हो तो अपने साथियों में शर्मिंदा ना हो। आपका हक था लेकिन आपने हक ज़ाय कर दिया। शादी करने के लिए निकले तो औरत की खूबसूरती तो देखी, उसके गुण नहीं देखे आपने। क्या देखा? खूबसूरती देखी और माल देखा, जहेज कितना मिलेगा। ठीक है, जहेज लेकर भी आ गई और खूबसूरती लेकर भी आ गई और गुण उसके पास कुछ भी नहीं है, आपको भी गालियां देती है और सुबह शाम आपके माँ बाप के मुंह पर झाड़ू भी फेरती है। घर का माहौल क्या बनेगा? आपके बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी? तो अपने घर का माहौल दुरुस्त करने के लिए, आप अपनी आकिबत सही रखने के लिए दुनिया में यहाँ से प्लानिंग करें। शादी करने से अच्छे घर में शादी करें, अच्छी लड़की से शादी करें, दीनदार समझदार लड़की से शादी करें। माल ना मिले ना मिले कोई ज़रूरत नहीं है माल की। कुरान ने तो ये कहा, यकून फ़ुकरा युग्निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, लड़की अच्छी है, अच्छे संस्कारों वाली है, दीनदार है, शादी कर लो, रिश्ता तय कर दो। माल तो कुछ है नहीं, नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे देगा। युग्निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर देगा। माल दूसरे के देने से नहीं मिलता। किसी दूसरे के यहाँ से माल लाकर आप मालदार होना चाहते हो, ऐसे कोई मालदार नहीं होता है। ये जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। माल के चक्कर में शादियां ना करो, दीन देखो, उसके अखलाक देखो, उसके संस्कार देखो, उसकी तहजीब देखो, घराना देखो कैसा है। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वैसे ही लड़की होगी, जैसे घर वाले होंगे वैसे ही उसके संस्कार होंगे, वैसे ही उसके अखलाक व आदात होंगे, ये देखो। फिर बच्चा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है उसका अकीका करो। छठी तो आप खूब करेंगे लेकिन अकीका नहीं करेंगे तो जो उसका हक था बच्चे का आपने दिया ही नहीं, आप काय को अपना हक मांग रहे हो उनसे। बच्चे का अकीका करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो, नेक तालीम उसको दो, ऊंचे से ऊंचे। अंग्रेज़ी स्कूल में आपने दाखिल कर दिया उसको, ना अल्लाह को बताया, ना रसूल को बतलाया, ना अपना हक बताया। जो अल्लाह को नहीं जानता उसका हक नहीं पहचानता है, वो आपका हक क्या पहचानेगा? जो रसूल का हक नहीं पहचानता है वो आपका हक क्या पहचानेगा? अगर आप चाहते हो कि आपकी औलाद आपका हक पहचाने, आपकी खिदमत करे, आपके साथ हुस्ने सुलूक करे, तो पहले अल्लाह और उसके रसूल को पहचानवाओ, उनका हक जाने। ये कि अल्लाह का हक ये है और रसूल का हक ये है,
जब अल्लाह रसूल का हक़ जानेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ कहा है वो भी मानेंगे। जब अल्लाह रसूल को जानेंगे ही नहीं तो आपके साथ हुसन सलूक क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप वन वे मत चलिए, आप दोनों तरफ का ख्याल रखिए। अपने हुकूक मांग रहे हो तो दूसरों के हुकूक दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे ईमान और सलामती के साथ रखे। जब तक दुनिया में रखे ईमान और सलामती के साथ रखे हो, जब दुनिया से ले जाए ईमान और सलामती के साथ ले जाए। भाइयों एक बात और कहना चाहता हूँ, इस्लाम ने देखो एक फिक्र का मसला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अगर हम वजू करते हैं हर नमाज से पहले वजू करते हैं, हमें हुक्म यह है ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार एक अज़ू को धोएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, 3 बार, 3 से ज़्यादा बार नहीं धो सकते। हालांकि आप इबादत के लिए वजू कर रहे हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर दरिया के किनारे आप हो तो वहाँ भी फजूल खर्ची ना करो, पानी को ज़ाय ना करो। दरिया में क्या फजूल खर्ची हो रही है, वो तो दरिया है पूरा का पूरा, और आप जो कुछ भी करते हो वो दरिया ही में शामिल हो जाता है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाओ, रसूल अकरम ने फरमाया वहाँ भी फजूल खर्ची ना करो। पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे बड़ी नेमत है दुनियावी चीज़ों में, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी जिंदगी के लिए ज़रूरी करार दिए हैं। पानी ही जिंदगी है, कुरान कह रहा है हर चीज़ को जिसके अंदर जान है पानी से हमने उसको जिंदगी दी है। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वीर नहीं। चांद पे जाने के लिए कितना शोर शराबा हो रहा है ना, कितने पैसे खर्च किए, इतने पैसे में एक दो नहीं दसियों बीसियों गरीब मुल्कों का भला हो सकता था, लोग चैन की ज़िंदगी गुजार सकते थे चांद पे जाने के लिए, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? पानी नहीं है, यही तो वजह है, वरना तो घर बस गए होते, अमेरिका का झंडा लग रहा होता, लेकिन पानी नहीं है। पानी ही जिंदगी है। आज महाराष्ट्र में पानी की कमी है, खुश्क साली का हमें और आपको मुकाबला करना पड़ रहा है। खुश साली ना हो तब भी पानी ज़्यादा ना बहाओ, ना मस्जिद में, ना मस्जिद के बाहर, ना घर पे, ना नहाने में। उलमाए कराम से पूछो, रसूल अकरम कितने पानी से गुस्ल करते थे और कितने पानी से वजू करते थे और कितने पानी से ज़रूरतें पूरी करते थे, उससे ज़्यादा बहाना ये सही नहीं है। ये जो खुश्क सालियाँ जगह जगह होती है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखाता है कि पानी अनमोल है, और इसको अगर तुम बर्बाद करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। कभी कभी तुम्हारी ज़िंदगी दुश्वार करके दिखा देता है। पानी की कीमत को समझो, और जो भी म्यूनसिपलिटी से आ रहा हो पानी या आपने बोरिंग कर रखा हो, उस पानी को ज़ाय मत करो, कम से कम पानी को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। ये तुम्हारे दीन का, इस्लाम का, तुम्हारे रसूल का फरमान है। पानी के लिए कम खर्च करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करो कि तुम्हारी दुआएं इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करेगा, और परवरदिगार ने अगर दुआ कबूल कर ली तो फिर से वही दिन आ जाएंगे जो पहले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे ईमान और सलामती के साथ रखे, हमें इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनु जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी ही बेशकीमती बातें दो अहम उनवानात पे शेख मोहतरम से सुनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हाज़रीन को इन तमाम बातों पे सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आज आप इस इज्तिमा में आए हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी से इस्लाम और इस दीन हक़ को सीखने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। जैसे कि शेख मोहतरम ने जन्नत को हासिल करने का एक बेहतरीन और बड़ा ही आसान जो हमारे घर में मौजूद तरीका और वसाइल हैं, जो हमारे वालिदैन हैं जिनकी खिदमत करके, जिनसे हुस्न सुलूक करके हम अल्लाह की उस महंगी
जन्नत को, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला इन सिलातल्लाहिल गालिया अला इन सिलातल्लाहिल जन्ना, खबरदार अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, खबरदार अल्लाह का सौदा जन्नत है। तो इस महंगे सौदे को हासिल करने के लिए एक और तरकीब जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि जो कोई बंदा है मोमिन दीन इस्लाम का इल्म हासिल करने के लिए रास्ता तय करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाते हैं। तो हम तमाम इस अहद को करके यहाँ से उठे कि हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फरमान को और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को सीखने की कोशिश करें। आखिर में मैं हमारे मुंतज़मीन की जानिब से और तमाम हाज़रीन की जानिब से हदीये तशक्कुर पेश करता हूँ उन तमाम हाज़रीन का जो आप अपने कीमती वक्त को सर्फ करके यहाँ तक आप आए, और हमारे इस इलाके के जो पुलिस अफसरान हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो नुमाइंदे और उनकी तरफ से जो भी मदद इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में हमको दी गई, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे इलाके के जो यहाँ के नगर सेवक हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआगो हूँ कि तमाम वो भाई जिन्होंने अपनी जितने भी जैसे भी जो कोशिशें काविशें की है इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में, तमाम की कोशिश मेहनतों को कबूल फरमाएं। और इस दुआ के साथ हम इस इज्तिमा का इख्तिताम ऐलान करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।